बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा से साल की एंड में कनाडा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और साल की क्लोजिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देता है, और ऐसे ही इस बार भी अपडेट्स जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर कनाडा IRCC की तरफ से कुछ लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज शेयर बटन होगा उसको दबा दो, को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, अब बहुत जल्द कनाडा IRCC की तरफ से 2023 से लेके 2025 तक के लिए जो टारगेट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसकी मेन अपडेट हमें नवंबर की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। इस टाइम दोस्तों, कनाडा IRCC एक्सप्रेस एंट्री में बहुत बड़े नंबर्स के अंदर ITA इशू करना शुरू कर चुका है, और जैसे कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बताया था कि जैसे जैसे एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस निकलते जाएंगे, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ पीपल इन्विटेशन जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जो लेटेस्ट ड्रॉ कंडक्ट किया गया है उसके अंदर काफ़ी बड़े नंबर्स के अंदर ITA सेंड किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब जिनको भी ITA नवंबर मंथ के अंदर इशू किए जाएंगे, उनकी फाइल्स 2023 के अंदर प्रोसेस की जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस टाइम कनाडा IRCC का जो ईयरली टारगेट है वो फाइनली कम्प्लीट होने जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो नवंबर मंथ के अंदर जिनको भी ITA सेंड किए जाएंगे वो अब 2023 के टारगेट में ही काउंट किए जाएंगे। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं दोस्तों कि एक्सप्रेस एंट्री का CRS स्कोर कितना ज़्यादा कम हो सकता है इस साल। तो फ्रेंड्स, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 450 तक जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर आपका CRS स्कोर इससे भी कम है तो इस साल तो आपका चांस बिल्कुल भी नहीं लग सकता। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड अपडेट की, जो पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम को लेकर है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली कनाडा IRCC ने अनाउंस कर दिया है कि पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम के अंदर जो है वो 23,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को इस साल प्रोसेस किया जाएगा। अब कुछ एप्लीकेशन दोस्तों 2020 से उठाई जाएगी, कुछ 2021 से और कुछ 2022 से। देखा जाए तो ओल्ड एप्लीकेशंस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों, इन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट किया जाएगा और देन इसे प्रोसेस में डाला जाएगा, और देन दोस्तों उसके रिजल्ट्स फिर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिनकी एप्लीकेशंस भी इनकम्प्लीट है, उनको कनाडा IRCC ने डेडलाइन दे दी है कि 24 दिसंबर से पहले पहले वो अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीट कर लें, वरना उसके बाद उनकी एप्लीकेशन जो है वो काउंट नहीं की जाएगी। और इस टाइम भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं, तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं की तो उसे आप अभी कंप्लीट कर सकते हो, आपके सामने डेडलाइन आ चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों इनलीगल इमिग्रेंट्स की। फ्रेंड, रिसेंटली कुछ न्यूज़ चैनल्स ने कनाडा IRCC के ऑफिशियल से सवाल किए थे कि इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कनाडा IRCC कब न्यू प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। तो उनके ऑफिशियल्स का कहना था कि जैसे कि आप सब जानते हो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर चाहते हैं कि जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने कनाडा का COVID-19 के टाइम पर इतना ज़्यादा साथ दिया है, तो इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि उन्हें लीगल स्टेटस दे दिया जाए, जिसको देखते हुए कनाडा IRCC उनके स्पेशल प्रोग्राम पर काम कर रही है, और बहुत जल्द ये स्पेशल प्रोग्राम भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, देखना यह है कि कितने लोगों को कनाडा IRCC लीगल होने का मौका देती है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसी के पास भी एग्जैक्ट डेटा मौजूद नहीं है। किसी वेबसाइट्स का कहना है कि 1,00,000 इमिग्रेंट्स इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, किसी का कहना है कि 5,00,000 हैं, और किसी किसी वेबसाइट का तो 20,00,000 तक का भी कहना है। तो ये दोस्तों नंबर्स जो हैं वो कनाडा IRCC ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।